नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ऑल गुड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी, मतलब आज हम डाउट को समय दे सकते हैं। डाउट को समय से मतलब ये है कि अगर आप में से कोई विद्यार्थी बात करना चाहता है विशेष रूप से डाउट के लिए, तो हम उसके कॉल शुरुआत में ले सकते हैं, है ना? क्योंकि आज का सेशन आपने देखा होगा, पार्ट 12 एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर किसी को डाउट पूछने हैं तो हम उसको ले सकते हैं, है ना? लेकिन इसके लिए हम चाहेंगे पहले पोल कराना। पोल कराने से मतलब ये हुआ कि आप क्या पक्ष में हैं इस चीज के, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं। अदरवाइज पता चला कि हाँ भाई, तो आपको यस और नो में पार्टिसिपेट करना है। यस और नो में पार्टिसिपेट इस प्रकार से करना है कि आपको डाउट्स, देखिए मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ ना, थोड़ा सा मैं चीजों को सिस्टमेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। क्या होता है ना, समटाइम्स हम सबसे बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे की जो परेशानी होती है वो बहुत से बच्चों की होती है ना? मतलब बहुत से बच्चों की परेशानी मतलब होता है कि हो सकता है कि उसे किसी विशेष एग्जाम के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, उसे किसी विशेष क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, उसकी कोई परेशानी ऐसी हो जो कि हर विद्यार्थी की हो, जैसे सर हमको नींद नहीं आ रही, या फिर नींद बहुत आ रही है, कि पढ़ाई नहीं हो रही, कि पढ़ाई बहुत हो रही है, टाइप से कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा, मतलब हम बातचीत जब कर रहे होते हैं क्लास में, भी आपने देखा होगा, आपने ऑफलाइन के अंदर जब भी पढ़ाई की होगी, तो टीचर सब बच्चों से बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन एक बच्चे का जब डाउट लेता है तो वो सबको संबोधित करता है कि वो सब लोग ध्यान से सुन लेते हैं उस चीज को, है ना, है ना, ताकि उससे फायदा होता है कि भाई हाँ, मतलब इस बच्चे की परेशानी से हमारा हमारी परेशानी भी निकल गई। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि हाँ हम इस तरह की वार्ता में आगे बढ़े, तो कृपया करके यस दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रकार की वार्ता में, आप बंद करिए, हम तो पढ़ाई करने आए थे, पढ़ के जाएंगे, तो आप नो करें, ठीक है? तो आज का चूंकि सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो हमें ये बात आपसे पूछना कंपलसरी है, तो मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। पोल में पार्टिसिपेट करें और बताएं, मतलब ट्रू और फॉल्स। ट्रू स्टैंड्स फॉर यस, फॉल्स स्टैंड्स फॉर नो। संवाद जारी रखने के लिए ट्रू, और ठीक है। तो अब भाई किसी को तो कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, और मेजोरिटी विंस। तो बच्चे जो है वो बातचीत करने के पक्ष में है, वो हम निश्चित ही बातचीत करेंगे, काफी लंबे समय से प्रस्तावित है ये, हम करते हैं, है ना बेटा? तो आप परेशान ना हो और हम शुरू करते हैं। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, कोशिश करिएगा कि स्टिक टू द पॉइंट, और हर एक विद्यार्थी जब अपने बात पूछे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों से बहुत सारे डाउट्स ले। शुरुआत में हम 4-5 कॉल ले रहे हैं, उसके बाद में डाउट सेक्शन में जो कॉल डाउट्स आ रखे हैं उनको लूंगा, है ना, उनके ऊपर मैं कमेंट करता चला जाऊंगा नाम बोलते हुए, है ना, और मतलब इस प्रकार से हम चलने की कोशिश करेंगे कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हेलो हेलो। हाँ बेटा विशाल, बताओ बताओ। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए, बहुत सारा आशीर्वाद। आवाज सही आ रही सर? बेटा हाँ, स्पीकर ऑन है तो हमारी आवाज लाउड भी आ रही है। सर इसको बंद, यहाँ पे कैसे बंद करना पड़ेगा? चलो कोई नहीं, आप तो बात बोलो, आप थोड़े बोलेंगे। सर डाउट तो बोलते ना, अब आपसे बात हो रही तो नर्वस हो रहा हूँ काफी। अच्छा कोई नहीं, नर्वस मत होइए, मतलब अपनी बात रेगुलर बात में बात करेंगे, ये फीचर नया है इसलिए ऐसा लग रहा है। सर एक डाउट था, जब आपने वो मून वाला पढ़ाया था चंद्र ग्रहण को लेकर, उसमें जब सर चंद्र ग्रहण होता है तब भी नहीं दिखाई देता है वो, और सर अमावस्या में तब भी नहीं दिखाई देता है। बेटा अमावस्या में छुपने का जो रीजन है इसका, आप एक बार कॉल बोल दो, फिर मैं क्या करूंगा आपको कॉल करके फिर आंसर दे देता हूं। ओके सर, ओके सर। हां एक बार सवाल बोलो, पहला सवाल हो गया चंद्र ग्रहण। हां सर चंद्र ग्रहण में जैसे वो चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, मैं समझ गया, आप दूसरा सवाल बोल दो। और सर अमावस्या में भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा रहता है। डन है, मैं आंसर दे रहा हूं कॉल का। ओके सर। तो भाई इनका सवाल ये है कि चंद्र ग्रहण के समय भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और अमावस्या में भी नहीं दिखाई देता है, तो क्या अमावस्या यानी अंधेरी रात और चंद्र ग्रहण एक ही है? जी नहीं। पहली बात, चंद्र ग्रहण आता है फुल मून नाइट पर, फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा के दिन पर आता है, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये समझने की जरूरत है।
दूसरा अमावस्या का मतलब ये है कि चंद्रमा जो है वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो चक्कर काटते काटते पृथ्वी के पीछे जा चुका है, यानी अमावस्या के आने में 15 दिन की पूरी मेहनत लगी होगी, वो प्रॉपर तरीके से चक्कर काटता हुआ पहले छुपा फिर छुपा फिर छुपा फिर छुपा। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय पर जो होता है वो अचानक अंधेरा आता है, ठीक है, अचानक अंधेरा मतलब उसका समय तो था कि उस पर रोशनी आए लेकिन वो रोशनी के स्थान पर उसमें ग्रहण आ जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। भाई अगर किसी की आवाज ऐसे इको करे तो आगे से ध्यान रखना, वो अपना प्रश्न पहले बोल दे फिर मैं आंसर उसका तुरंत बोल दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेलो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, आपका माइक खराब है शायद, बहुत स्लो आवाज आ रही है, तेज बोलिए। नमस्ते बेटा, बताइए। मैं एकदम अच्छा हूँ। हाँ हाँ, कौन सी चीज बेटा? देखो भाई इनका सवाल ये है कि स्ट्रेट जो है उसके बारे में कैसे पता चलता है कि स्ट्रेट जोड़ने वाली है कि तोड़ने वाली है, है ना। जैसे मान लीजिए कि अपन एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, अपने इंडिया और ये जो आपको मैप में दिख रहा है श्रीलंका, इनके बीच में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, है ना। अच्छा ऐसे ही आपको यहाँ पर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर बाबे मंडल है। स्ट्रेट जो शब्द दिया गया है, स्ट्रेट जो शब्द दिया गया है अभी जो बच्चे आपस में बतियाने में लगे हुए हैं कमेंट बॉक्स में, उन सबसे निवेदन है कि अपना वो बंद रखें, अदरवाइज हम आपका चैट ऑफ कर देंगे, तो ना तो दीदी दिखाई देंगी ना भैया दिखाई देंगे, है ना। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के अंदर बतियाने के लिए उपस्थित हैं वो ये ना सोचे कि आपके लिए ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग आप सोशल गैदरिंग के लिए कर रहे हैं, पता चले कि हम आपको ब्लॉक कर दिए, पता चले कि हम चैट ऑफ कर दिए, इसका सदुपयोग कर लीजिए, है ना। जो भी संबंधित चीजें हैं केवल उन्हीं का उपयोग करें, अदरवाइज लपेट दिए जाएंगे और फिर भविष्य में भी आप चैट नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है, है ना। हाँ जी, तो मुद्दा यह है कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट का मतलब होता है दो जल सागरों को या फिर दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली चीज। दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली चीज का मतलब जैसे जैसे यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ पर गल्फ ऑफ आदेन है, इनको आपस में जोड़ने वाली बाबे मंडल है। ऐसे ही यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इनको जोड़ने वाली पाक स्ट्रेट। जैसे यहाँ पर हमने देखा फारस की खाड़ी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसे करके है ना, आपको ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये तो हुआ स्ट्रेट, जो पानी को आपस में जोड़े दैट इज स्ट्रेट। ऐसे ही जो जमीन को आपस में जोड़े दैट इज इस्थमस। एक भूखंड जो कि जमीन को आपस में जोड़ता हो वो इस्थमस कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें अमेरिका के अंदर इस जगह पर, तो ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर पनामा जो जगह है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है, दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेलो हेलो, हाँ बेटा बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए। सर मेरी प्रॉब्लम ये थी सर कि जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन सर मेरे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करूँ? आप अभी किस में जॉब कर रहे हैं बेटा? सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, लगभग 8 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है। तो सर मैं क्या इसको कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ? देखिए क्या होता है कि समटाइम्स जो हम अपने भविष्य को लेके किसी और से सवाल पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम सामने वाले से सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं, हम अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, है ना। डाउट ये है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आपको अंदर से ये डर बैठ रहा है,
यार मैं 8 घंटे की जॉब भी कर रहा हूँ और मुझे वो जो लाल बत्ती के अंदर लोग उतरते दिखाई देते हैं वो अच्छे भी लगते हैं। इन दो में कंफ्लिक्ट है, लेकिन आप खुद से पूरी तरह मोटिवेटेड नहीं है। मतलब असल में क्या है, बुरा मत मानिएगा, आपके साथ में हो ही नहीं रहा है सर कि आपको ना अंदर से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जी सर ठीक है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ पाए, अर्थात आप 8 घंटे की नौकरी के बाद में अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सर, बुक रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आपकी क्लासेस डेली देख रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना बेटा, असल में क्या है कि आप मेरी क्लास का मतलब तो कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। जब तक जीरो है जब तक आप खुद से कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये क्लास तभी महत्वपूर्ण है जब आप खुद की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ओके तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ने का टाइम निकाल पाए। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे निकल सकता है, मैं तो 8 घंटे की नौकरी करता हूँ। बेटा तो मैं अपना सर, शेड्यूल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या पता आप उससे थोड़ा मोटिवेट हो जाए। मेरा जी शेड्यूल सर, ये है कि मैं 5 काम दिन में करता हूँ, 5 अलग अलग क्षेत्रों में मैं सक्रिय हूँ। अभी तो फिलहाल मैं जी आपकी क्लासेस में भी हूँ, मेरी ऑफलाइन बैचेस में भी हूँ, मेरे बुक्स में भी हूँ, मेरे अलावा जो दो अन्य सरकारी नौकरी के काम है उनमें भी हूँ, इसके अलावा जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उनमें भी हूँ, और 5ों अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। निश्चित ये करना है कि आपका समय डिवीजन कैसा हो, आप अपना जो 24 आवर्स है इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। आप 8 घंटे ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपके पास 16 घंटे हैं, जी 16 घंटे के अंदर आपको 6 घंटे ही पढ़ने हैं। अब वो आप मैनेज करिए कि बाकी 10 घंटे में आप अपना सोना खाना पीना सब मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। जी ये सर बेटा अगर आप पढ़ पा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ पा रहे तो ये सवाल असल में आप मुझसे नहीं खुद से पूछिए कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं। नहीं सर, पहले ठीक था, मैं पहले रेगुलर कर पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था तो कर नहीं पा रहा था बुक रीडिंग। वो बेटा इसीलिए फ्रस्ट्रेट हुए आप क्योंकि आपकी जॉब के साथ आप समय नहीं निकाल पा रहे, जी सर है ना? तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि जॉब के साथ समय निकाल पाओगे या नहीं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जॉब कंटिन्यू करिए। ओके ओके भाई धीरज को कॉल कर रहा हूँ, धीरज का कॉल लग नहीं पा रहा है। धीरज बहुत देर से मैसेज तो कर रहा था लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ से बोल रही हो आप? सर मैं एमपी से हूँ। हाँ बेटा बताएं। सर मेरा कोई डाउट नहीं है। अरे ये हुई ना अच्छी बात, ये इससे स्माइल आती है हमें। थैंक यू सो मच, बहुत सारा आशीर्वाद आपको, जीवन में खूब तरक्की करें आप। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। ओके ओके बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ बेटा सुमन बताएं। सर शुभ नवमी प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन। एक बार प्लीज दोबारा बोलिए। शुभ नवमी प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन सबाई के। आपको आपको भी या आपको भी। सर मेरा पढ़ने के समय बहुत से नींद आती है सर। यार ये ना मतलब बहुत से लोगों के साथ दिक्कत है और ये अच्छे दिमाग की निशानी है। अनटिल अनलेस आप दिन में 14-15 घंटे नहीं सोचते सोते तो मतलब बीमारी नहीं है ये। आप तो 14-15 घंटे सो रहे हैं क्या? ना ना उतना तो क्या दिक्कत है। अगर आप 8-10 घंटे भी सर, रात में भी नींद नहीं आती, मैं दिन में ही सर नींद आती है। कोई बात नहीं, तो रात को नींद नहीं आती तो रात को पढ़ लीजिए। ये इसका ना इशू मत बनाइए, मतलब इसको दिमाग पे स्ट्रेस इस बात का मत डालिए कि मुझे नींद आती है। असल में जो हमारे सबके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है वो ये है
कि हम ये सोचकर चिंता में चले जाते हैं कि मुझे नींद बहुत आती है ना। इस टेंशन को हावी ही मत होने दीजिए। सभी विद्यार्थी इस बात को सुने, हम अपने ऊपर इस बात को हावी ना होने दें कि हमें नींद बहुत आती है। अदरवाइज हमको साइकोलॉजिकली भी परेशानी होने लगती है, हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। हमें जब नींद आए, हमें इतना सोचना है कि जब पेपर देने जाएंगे ना, तब वो 3 घंटे जो पेपर के हैं, बस उस समय नहीं सोना है, ठीक है? उस समय नहीं सोना है, बाकी खूब सोइए, ठीक है? यस सर। तो कोई लोड मत लीजिए बेटा, जब मन में आए तब सो जाइए, ठीक है? यस सर। आप 8-10 घंटे की नींद चाहिए, एक अच्छा जो आपका दिमाग है, आप अच्छे मतलब स्वस्थ बच्चे हैं, तो नींद आएगी, आने दीजिए। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं सच बताऊं कि मैं आपकी क्लास के बाद में 10-15 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, मैं आंख बंद करके गुड़क जाता हूँ वहीं पे, कुर्सी पे पड़े पड़े लेट जाता हूँ। कोई बात नहीं ना, दिमाग स्वस्थ है तो सोएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मेरा भी ज्यादा टाइम नहीं होता, खूब 15-20 मिनट, उसके बाद नींद अपना आप टूट जाता है। बहुत अच्छी चीज है, जैसे टूटे बस तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, फिर कुछ और मत करो, मतलब फिर चाय वाय पीने या फिर बातचीत करने। चाय तो मैं पीता ही नहीं सर। बस 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 ठीक है बेटा, है ना? सर ओके बेटा। राधे सर। हेलो राधे। राधे भैया सर, चरण नमस्कार। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था। बहुत आशीर्वाद, आपने डायलॉग इतने भारी भारी लिख रखे हैं कि हमारा इस जन्म में नंबर नहीं आएगा। हमने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है। सर समस्या ये है, मैं पढ़ता तो बहुत समझ में नहीं आता, हमेशा मन में डर बना रहता पता होगा या नहीं होगा। तो भाई डर का समाधान पता है क्या है? डर का सामना ही डर का समाधान है, ठीक है? सामना कैसे करें? हम कुछ परीक्षा खुद से देके देख लें। अभी बात बताइए, आप कुछ खेलते कूदते हैं, मतलब कभी कुछ खेल स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है? नो सर। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आप लोगों से कंपटीशन करते हो? हाँ कभी कभी लोगों से कंपटीशन में टेस्ट वगैरह ऐसा ज्वाइन। आप किसी टूर्नामेंट में जाएं, उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो प्रैक्टिस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप पढ़ रहे हैं, आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस जीरो कर रखी है। आपने क्लास तो सर की सारी पढ़ ली, सर के क्लासेस सब सुन ली, मजा भी आ गया, लेकिन आपने एक बार भी किताब बंद करके ये नहीं सोचा कि मुझे कितना याद रहा। जी सर, ये तो होती है समस्या सर, कितना याद रहा ये ही समझ में आता है बाद में। बस यही चीज है जो आपको पकड़नी है कि आपको कितना याद रहा, इसके लिए आप एक बार के लिए कोशिश करिए याद करने का, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर पानीपत हरियाणा से, शुभम। हाँ बताएं बताएं बताएं। आज मेरा नंबर आ ही गया। हाँ आ ही गया, आपकी रिक्वेस्ट लोगों ने लगाई है कि सर लाल बाबू परेशान हो रहा है, हमने कहा हाँ बात करते हैं, बताइए। सर मेरी दो डाउट है, बताइए। एक तो सर ये नहीं पता चला कि पानी के नीचे जो भूकंप आता है प्लेट्स में, तो वो पानी के ऊपर सतह पर पता बिल्कुल पता कैसे चलता है कि इतने तीव्रता का आया है? बेटा वो तो पानी की सरफेस में ही वो लगा के रखते हैं, रडार लगा के, वो सोनार लगा के रखते हैं, टेक्नोलॉजी होती है वो भूकंप नापने की, उसी से पता चलता है। समुद्र में मौजूद होती है वो? हाँ, आपने पता नहीं आने ने कितने समय से पढ़ रहे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको यदि याद हो तो गूगल ने दुनिया को ये ऑफर दिया था कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जमीन में बिछी हुई है, हम उनके आधार पर भी लोगों को बताना चाहेंगे कि भूकंप कब आ रहा है। मतलब अगर पता नहीं, कुछ पुराने विद्यार्थी अगर हो तो क्लास में बताएं, गूगल का ऑफर था ये, वो दुनिया को कहना चाहता था कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं भूकंप कब आ रहा है। मैंने क्लास में पढ़ाया ये, वो नीचे के विषय तारों से पता चलता है। जी सर। सर एक दूसरा डाउट भी है सर, अगर किसी दो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो और दोनों मेरे इक्वल हो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, सर उन दोनों में से एक चुनना हो कैसे चुने? उन दोनों में से एक सब्जेक्ट चुनना हो? हाँ हाँ जी,
चुनना क्यों है, मतलब दोनों जरूरी है तो दोनों पढ़ो। सर एक्चुअली मुझे एमए करनी है और मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं, और साथ इक्वल है मेरा, उनमें मार्क्स दोनों में सेम सेम ही आते हैं। हाँ तो ऐसा करो ना, एक बार हिस्ट्री से कर लो, अगली बार पॉलिटी से कर लेना। एमए तो लोग पांच पांच कर लेते हैं। सर फिर तैयारी कब करेंगे? नहीं नहीं तो पैरेलल ही चलती रहेगी, इसमें क्या लोड लेना है यार। तो सर वही बात फिर से पहले किसमें की है, हेड टेल कर लो, और नहीं कर पा रहे हो तो हमसे पूछ लो, हम बता देते हैं कि जा बेटा पॉलिटी से कर, खत्म बात। पॉलिटी बस सर, अब पॉलिटी की करेंगे। हेलो हेलो। हाँ बेटा अनिकेत बताएं। हाँ सर, मैं सर बहुत दिन से कोशिश कर रहा था मतलब बात करने की, और बात हो नहीं पा रही थी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या परेशानी है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं यही राजस्थान झलावाड़ से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए बेटा। सर मेरे को दो चीजें पूछनी है। बताइए। पहली चीज तो सर मेरे साथ क्या होता है, जैसे कि मतलब मैं दो तीन दिन जो मतलब खूब पढ़ लेता हूँ मतलब मोटिवेशन के साथ, सर क्या होता है तीसरे चौथे दिन मैं थोड़े से आलस टाइप आ जाते हैं, मतलब पढ़ने का उतना मन नहीं करता जैसे मैं दो तीन दिन अच्छे से पढ़ा होगा। मेरा सर बेसिकली है कि मैं रेगुलरिटी कैसे बना के रखे पढ़ाई के प्रति। बेटा ये सबके साथ होती है, मतलब ये चीज है ना, आपको लगता होगा पता नहीं जो पढ़ाकू लोग होते हैं वो कितने अच्छे होते होंगे, या पता नहीं कितने अच्छे पढ़ने वाले होते होंगे, है ना? तो बेटा सबके साथ में ये इशू रहता है, तो पहले तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि ये केवल आपके साथ होता है ना, ये कॉमन समस्या है। तो इस स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकाल लो कि यार ये सबके साथ होता है। सर होता है, मतलब मैं भी सोचता हूँ कि मेरे जो दोस्त है बाकी जो तैयारी करे थे वो इससे मतलब दिन भर पढ़ रहा होगा, मैं मतलब मैं आज के दिन थोड़ा ऐसा एकदम गलत नहीं है। सबका दिमाग चौक मारता है, कई लोग बस उसको दिखाते नहीं है, तुम दिखा दे रहे हो तो तुम्हारी अच्छाई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना? अब इससे बचे कैसे? इससे बचने का तरीका ये है कि अपने इंटरेस्ट की कुछ चीजें पकड़ लो, अपने इंटरेस्ट की कुछ चीजें से मतलब हुआ कि भाई मान लो कि तुम्हें तीन दिन बाद पढ़ने से मन हट गया, यार मन नहीं कर रहा, उस दिन हम वीडियो देख के पढ़ेंगे, एक दिन हमने ये सोच लिया, फिर अब हमारा मन कर रहा है वीडियो देखने का भी मन नहीं हो रहा, तो अपने मन से पूछो कि भाई तू चाहता क्या है, होता है ना? हाँ सर। भाई अपने मन 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 भी तो कुछ चाहता है ना, हमारा दोस्त है ना वो। जी सर। हाँ तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा मन कुछ चाह रहा है, उसकी सुनवाई ये है, उसको मन कर रहा है कि यार मैं तो आज मूवी देखूंगा। जी सर। यार मतलब हम अपने ऊपर ज्यादती क्यों कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हम अपनी सुनते हैं। हमारे साथ जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो पता है क्या है? जी सर। औरों की तो सुनते हैं, खुद की नहीं सुनते कभी। आपके दोस्त ने, आपके टीचर ने, आपके मम्मी पापा ने, जिसने जो भी कहा, हमने सबकी सुन ली, बस खुद की नहीं सुनी। कभी खुद की सुन के देखो, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी अपनी नजरों में खुद के लिए कि यार मैं तो अपनी सुनता हूँ, है ना? तो आप अगर तीन दिन में पढ़ाई से मन उठाए उठने दो, मन कर रहा है कि मूवी देखनी है देखो, मन कर रहा है सोने का मन कर रहा है सो जाओ, जो करना है करो, बस ध्यान रखो कि कैसे पढ़ने बैठना है। हमारे साथ क्या होता है, आज तो मैं अपने मन की सुन लेता हूँ क्योंकि मेरा मन है मूवी देखने का, कल मेरे दोस्त का मन था कि उसको मूवी देखने जाना था तो फिर उसके साथ चल लेता हूँ, ऐसे नहीं। अगर रहना है तो मन के राजा रहो, उसका मजा आ जाएगा। जी सर, अब मैं ट्राई करूंगा सर। ठीक है बेटा। सर एक सवाल और पूछना था सर। बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। सर छोटा सा ये सर, मतलब कल जो सर साउथ अमेरिका आपने पढ़ाया था उसमें सर ये इनलेट्स क्या होते हैं सर? इनलेट्स सर जैसे ये लाइन लिखा रहे, दक्षिण अमेरिका की तट रेखा बहुत ही कम इनलेट्स के साथ चिकनी है। यार पता नहीं वो हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक होगा या तो सर उस मतलब समझ नहीं आ रहा इनलेट्स क्या होते हैं। बेटा हिंदी ट्रांसलेशन क्या है ना, हमारी टीम गूगल ट्रांसलेट करके करती है ना? जी सर। तो गूगल उसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो यार, क्या है कि ये अपने आप में हमारा चैलेंजिंग काम है, या तो कंटेंट इंग्लिश में हो सकता है या हिंदी में हो सकता है ना? तो हम दोनों को एक ही पेज पे देने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश में कई बार ऐसा होता है कि या तो कंटेंट इंग्लिश में टाइप हुआ होता है, हिंदी में ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाती है। जी सर। जब हिंदी में हुआ होता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिस्टेक, दोनों में आप लोग थोड़ा सा मैच कर लिया करो, अदरवाइज दिक्कत क्या होगी ना, या तो मैं कंटेंट केवल हिंदी में ही पकड़ा पाऊंगा या इंग्लिश में ही पकड़ा पाऊंगा। तो हम एक प्रकार से दोनों काम लेके चल रहे हैं, तो थोड़ी सी आप लोग जो है वो मैसेज वो कर मैनेज कर लीजिए प्लीज, है ना?
जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। आप मुझे बहुत सारे लोगों को कॉल दिए हैं और आज सारी की सारी समस्याएं जो खत्म हो जाए, कम से कम मुझे इस बात की फीलिंग तो दिला देना। हाँ, मैंने आज लोगों से बात की और बहुत सारे लोगों का डाउट डिस्कशन के दौरान दूर हुआ। एक विद्यार्थी गंगा गंगा करके है, वो बच्चे कह रहे हैं सर वो रो रही है, लेकिन बात यह है कि गंगा में रेत है, कहीं का बनाता हूँ तो कॉल करके साथ है। चलो जी, हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप परेशान हो रही हो कुछ? हाँ यस सर। आप बताइए क्या परेशानी है? ये सब फर्स्ट ईयर में है, हम यूपीएससी की प्री करना चाहते, आप शेयर होना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो सर आप हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश माध्यम में पढ़ाएंगे? बेटा इंग्लिश माध्यम में पढ़ाएंगे नहीं, इंग्लिश में कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, जैसे पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। हम ये भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू बेटा। बाबा रे बाबा, अब हमको डाउट सेक्शन में आए हुए डाउट्स का आंसर लेना है। हमने कॉल्स का आंसर ले लिया, आखिरी कॉल हम ले रहे हैं, इसके बाद डाउट सेक्शन में चल के वहां लिखे हुए प्रश्नों का आंसर। हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा बताएं। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर। कानपुर से बात कर रही हैं? 12th में है कि फर्स्ट ईयर में है? सर अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है। देखा, हम बात से पहचान लिए कि तुम अभी बहुत छोटी हो। जी सर, अभी मैं इतना कांप रही हूँ आपसे बात करते हुए कि क्या बताऊँ। तो मैं जब मैंने 12th कर लिया था उसके बाद से जब आपकी सुबह करंट की क्लास होती थी 6:30 बजे तब से देख रही हूँ। अच्छा जी सर, सर आपको देख के इतना मोटिवेट होती हूँ कि क्या बताऊँ। सर मुझे लगा कि आपको सर देखते ही हमारे अंदर इतना मोटा वेट आता है कि हम भी मोटे हो जाएं, ऐसा फील आता है। जी सर, हाँ बेटा बताइए। सर मैं बहुत काँप रही हूँ सर, आपसे बात कर रही हूँ। नॉर्मल हो जाइए, हम बता देते हैं आपके साथ ना, कानपुर जो है, आप बताओ कानपुर में कहाँ रहती हो, हम बताएं हम कितना घूमे हैं कानपुर। सर कानपुर में तो डिस्ट्रिक्ट है कानपुर, मैं सरसौल में रहती हूँ। सरसौल महाराजपुर के और आगे है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो एक्चुअली क्या है कि जीटी रोड है ना अपना, इस पे रहा करते थे आईआईटी कानपुर जब के। जी सर। हाँ तो तुम इस तरफ तो कर नहीं रही होंगी। जी सर। सर अब सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन मेरी जीएस बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। सर मैंने अनअकैडमी इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे जीएस बस आपसे ही पढ़नी थी। तो आप ना हमारी ये वाली सारी क्लासेस खत्म कर लो एक बार। जी सर। ये सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिक जीएस में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना? जी सर, जी सर, इसीलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था कि पहले एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद फिर आगे। हाँ तो बेटा इसको ना आप खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप इसको खत्म कर लीजिए और उसके बाद में जब ये पूरी तरह से समझ में आ जाए तब आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ठीक है? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जी सर। यश जो है वो भी भैया बहुत लंबी लंबी मैसेज लिख के भेज रहे हैं लेकिन रेज हैंड करना भूल गए हैं। तो हम चलते हैं डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन में रागिनी का मैसेज था, हमसे बात कर लीजिए, उनसे हो गई है। प्रशांत सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, हमें यूपीएससी देना है, कैसे इंग्लिश का स्टडी करें? सर जी हमें जीएस का पेपर देखना है, स्टार्ट करें। हाँ भाई, तो भैया प्रशांत बात ऐसी है कि आप जो है ना मतलब इंग्लिश को अच्छा करने के लिए एक बहुत बेसिक सा काम है जो कर सकते हैं वो ये है, सबसे पहले जो इंग्लिश के लेटर्स हैं या वोकैबुलरी है जो हम पढ़ाते चल रहे हैं, मान लीजिए कि हमने पढ़ाया कहीं भी माउंटेन, तो आप उसको हिंदी में भी पर्वत ना बोले, आप उसे माउंटेन ही रहने दें, है ना? आप जो टर्मिनोलॉजी है मतलब उसको, जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, अगर जैसे अभी मैंने आपको चीजें पढ़ाई, कुछ भी पढ़ाया, साउथ अमेरिका को साउथ अमेरिका रहने दें, है ना? बेसिन को बेसिन ही रहने दें, तो आपको ये पता चलेगा अचानक कि आपको हिंदी नहीं आती ही इंग्लिश है आपको। आई बात समझ में?
तो इसलिए आप बेफिक्र होकर के बढ़िया से आप अपना काम करते रहिए, खत्म बात। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ऑटोमेटिक आप जब चीजें पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये बिठाइए ही मत कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आप हर टर्म को इंग्लिश में पढ़ना शुरू करिए। टर्म पढ़ा रहे हैं, रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन ही रहने दें, है ना, उस क्रांति ना याद करें, तो आपको अचानक पता चलेगा कि जरूरत भर की जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो साल भर में तैयार होगी। सर अनअकैडमी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाते क्या, मनोज पूछ रहे हैं। बेटा बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन एसएससी सेक्शन में नहीं, वो यूपीएससी का हिस्सा है। एक इंस्पेक्टर है सर, आपसे यूपीएससी क्लियर कितनी बार किया है आपने यूपीएससी? बेटा एक बार भी नहीं किया है, एक और भी दिखाते हैं इंस्पेक्टर करते हैं कोई, है ना, क्योंकि हम यूपीएससी दिए हैं एक बार, प्रीलिम्स तक का लेवल पहुंचे, पास किए, उसके बाद हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लग गए, बूढ़े बूढ़े हो गए थे तो हम इस दिशा में पकड़ गए, है ना, नौकरी करते थे यार पहले, थोड़ा बाद में आपकी तरह समझदार नहीं थे कि पहले हमें दिशा मिल जाती, हम भटकते रहे। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स हिस्ट्री सभी पढ़ाएंगे? बिल्कुल संजय भाई, हम बिल्कुल सब पढ़ाएंगे। नितेश सर जी, अगर आर्टिकल कैसे लिखें किसी टॉपिक पर, कैसे शुरू करें? आशुतोष बेटा, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ा देते हैं ना मॉर्निंग में, जैसे हमने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया, तो उस टॉपिक को ना आशुतोष आप घर पर जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद खुद से एक बार लिख के देखिए, आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। जो हमारा आरएनए है उसको पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के जजेस की नियुक्ति की जाती है? बेटा सुप्रीम कोर्ट में तीनों प्रकार के जो आपने लिखे हैं वो सारे जज की नियुक्ति होती है, प्रॉपर आर्टिकल वाइज चर्चा लिखी हुई है, पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे आपको। सर टॉप से थर्ड वाला मेरा डाउट, बेटा नितेश ऐसे नहीं दिख रहा है, टॉप से थर्ड वाला कौन सा डाउट है आपका, है ना, सुप्रीम कोर्ट में हो गया सौरभ, सर सुप्रीम कोर्ट सौरभ, नितेश सर हो गया, सर जैसा आप इकोनॉमिक पॉलिटिकल के लिए हो गया, हो गया अंबर, मेरे एमटीएस का एग्जाम है, अच्छा एग्जाम अंबर, तो बेटा इसमें क्या बताऊं मैं, श्वेता ने कुछ लिख के भेजा है, श्वेता की एक्चुअली क्या है कि उड़ जाते हैं डाउट भी ना। अच्छा इंग्लिश टाइम है, उसे के निशान पर लिखते हैं ये, बेटा अपन ने क्लास में पढ़ाया हुआ है, आज अपने ही जगह के बारे में सोच लीजिए ना। अरे अगर आज मान लीजिए बाकी लोग भी करके दिखाए इस क्वेश्चन नंबर 11 को, बताइए अगर एक मिनट में इसको सबके सामने दिखा देता हूँ ताकि वो लोग भी इसका आंसर कर पाए, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा। अगर मान लीजिए जब ग्रीनविच रेखा पर 3 बज रहे हैं, किसी जगह का स्थानीय टाइम 6 बज रहा है, ग्रीनविच रेखा पर 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 3 घंटे आगे हो, आप 3 घंटे आगे हो, 3 घंटे पीछे हो, जहां भी हो, अब 6 आपके यहाँ बज रहे हैं इसका मतलब आप आगे ही हैं, तो आप कितना डिग्री आगे हैं, 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, आप 45 डिग्री पूर्व की तरफ आ रखे हैं, क्या सवाल है, कोई सवाल नहीं है ना, ये क्लास में करा रखा है, ठीक है। अब डाउट सेक्शन में भाई इतने डाउट ऑनलाइन लगी है। शीतल सर्विस बुक यार डाउट तो समझ नहीं आ रहा है, एक पढ़ते हैं मेरे नीचे से ठक से वो ऊपर आ जाता है। चंदन नहीं, प्राइम मेरिडियन जो है ना वो जीएमटी है बेटा, डाउट ठक 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 ऐसे ऊपर चल रहा है, एक पढ़ रहे हैं वो आगे निकल जा रहे हैं। फिर हम आपके पड़ोसी हैं फिर भी आप हमको कॉल नहीं करते, तो पड़ोसी हो तो घर ही आ जाओ ना, फिर तुम धमकी दे रही हो कि घर आ जाएंगे, आ जाओ, अगर तुम जानते हो तो हमारे घर बता रहे हो, स्वागत है। कोई पर्टिकुलर बुक बता दीजिए, किस चीज की बुक पूछना चाहती हैं आप, बताएं। हरिओम, ये तो काम से है भाई, ये चैट का जो काम है ना ये नहीं चल पा रहा है, ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे। हो गया भाई, अब क्या कर सकते हैं बताएं, छुट्टिया लिए 2-4 मिनट और 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, हो गया काम सबका, क्योंकि डाउट सेक्शन वाला काम कर नहीं पा रहा है वो इतने सारी चीजें मतलब बच्चे लिख के भेज रहे हैं कि वो ऊपर नीचे फ्लो होता जा रहा है, कमेंट की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा है।
हेलो। हाँ बेटा सर नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं आप, धमका रही हैं ऑनलाइन कॉल करके? भरतपुर से। अरे हाँ, फिर तो क्लास से धमकना भी चाहिए भाई, भरतपुर वालों से बताएं। सर मैंने ना आपकी वो बायोलॉजी की क्लास थी ना वो ली थी, तो उसमें डिजीज होती है ना उनकी ना जो नहीं मिली थी मेरे को। डिजीज बेटा हमने पढ़ाई नहीं होंगी सर, उसमें ना नोट्स थे बट उसमें ना वो तो लग रहे थे तो नोट्स मिल गए थे लेकिन नहीं, तो हमने नोट्स सपोर्ट किए होंगे, बीमारी हम पढ़ाई नहीं होती, मतलब हम बहुत सी चीजें वो नहीं पढ़ाते जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब जिनके अंदर रीडिंग मरवाने की जरूरत है, बच्चों को खुद अपलोड कर देते हैं पढ़ लेंगे वो, ऐसे करते हैं।